हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेबी गर्ल के लिए एक योग ड्रेस, जिसके लिए मैंने ये टू पीसेस लिए हैं 14 बाय 14 इंच। दोनों पीसेस को पहले डबल में फोल्ड रखेंगे करकर फिर फोर फोल्ड करेंगे। वन साइड वाली साइड से 2-2 इंच की मार्किंग करते हुए राउंड में शेप दे देंगे। अब कॉर्नर से ही फिर 6-6 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्किंग को मिला देंगे और मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। ये योग के लिए हमारे टू पीसेस रेडी हो चुके हैं। एक साइड से इसको भी कट लगाएंगे। इसको साइड में रखते हैं। अब एक पीस और लेते हैं फ्रिल के लिए। लेंथ जिसकी 17 इंच है और विड्थ इसकी 4 इंच है। इसको तीन साइड से पीको करेंगे और एक साइड इसके गैदर्स डालेंगे। तीन साइड मैंने पीको कर दी है और एक साइड इसके गैदर्स डाल दी हैं लॉन्ग स्टिच से। ये फ्रिल हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसको अपर पार्ट से योक के साथ जोड़ेंगे। उससे पहले योक के राइट वाली साइड अंदर लेते हुए रॉन्ग साइड से स्टिच लगाएंगे। यहाँ से लेके पूरा घुमाते हुए यहाँ तक ये स्टिच मैंने लगा दिया है। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स भी लग चुके हैं। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके अच्छी तरह आयरन कर लेंगे। आयरन मैंने कर ली है। अब फ्रिल को इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। स्टिच हमारा लग चुका है। अब इसके लिए फ्रिल नीचे फ्लेयर रेडी करेंगे। फ्लेयर के लिए मैंने टू पीसेस लिए हैं। ये 4 लेयर्स हैं टू पीसेस की। मेरी वाली साइड ओपन साइड है, दूसरी साइड ये बंद साइड है। फ्लेयर की लेंथ मैंने 21 इंच ली है और विड्थ 34। आर्म होल की मार्किंग करते हैं। 3 इंचेस की विड्थ लेंगे और 4 इंच नीचे से लेंथ लेंगे। इसको घुमाते हुए राउंड में शेप दे देंगे। अब बंद वाली साइड से 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए तिरछा इसको मिला लेंगे। जो मार्किंग की है उसके साथ साथ कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग मैंने कर ली है। योक पार्ट से अटैच करने से पहले इसकी स्लीव्स को फिनिश करेंगे। इसके लिए मैंने क्रॉस स्ट्रिप ली है। दोनों पैनल्स पे
लगा देंगे इस क्रॉस स्ट्रिप को। स्ट्रिप हमारी लग चुकी है, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फोल्ड कर कर टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच भी हमारा लग चुका है, स्लीव्स हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अब इसको फोल्ड कर कर इसके सेंटर की मार्किंग करेंगे और सेंटर से प्लीट्स डालेंगे। इधर और दूसरी साइड भी प्लीट्स मैंने डाल दी हैं। दोनों पैनल्स हमारे नीचे वाले रेडी हो चुके हैं। अब इसको योक के साथ अटैच करना है। अटैच करने से पहले हम मार्किंग करते हैं। शोल्डर से 2.5 इंच का मार्जिन लेते हुए एक मार्क लगाएंगे। दूसरी साइड भी और बैक साइड भी। ये मार्किंग हम अंदर की तरफ भी लगाएंगे, ये देखिए ऐसे। अब फ्लेयर को योक के साथ अटैच करेंगे। राइट साइड अंदर लेते हुए रॉन्ग साइड से मार्किंग के साथ साथ स्टिच लगा देंगे। दूसरी फ्लेयर को भी मार्किंग के साथ रखते हुए पूरा ग्राउंड में घुमाते हुए स्टिच लगा देंगे। स्टिच हमारा लग चुका है। ये देखिए, अब इसकी राइट साइड अंदर लेते हुए साइड को स्टिच करेंगे और बॉटम को फोल्ड करेंगे। नीचे से बॉटम को भी फोल्ड करेंगे। स्टिच लगने के बाद हमारी ब्यूटीफुल स्टाइलिश बेबी फ्रॉक बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।